गो फाइंड अ वे और वी विल मेक वन, ये है कहना बी आर ओ का। और अभी हम वही देखने जा रहे हैं एग्जैक्टली, हम अभी जा रहे हैं अटल टनल की ओर। आज मनाली का सफर खत्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं लेह की साइड पे इस स्कॉर्पियो में जो मेरे साइड में खड़ी है। अटल टनल एक बहुत ही स्पेशल टनल है जो रोहतांग पास के एकदम नीचे बना है और 9 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल है। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ की सफर, वहाँ का जर्नी कैसा रहता है और लेह में एंट्री का क्या प्रोसीजर है। मतलब आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ। आई रिमेम्बर हम जब लास्ट टाइम आए थे, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, जब हम लाहौल आए थे हमने पूरा रोहतांग पास क्रॉस किया था और घंटे लग गए थे आते हुए। एएमएस हो गया था, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मारी थी और मेरे पीछे अटल टनल है जो 10 किलोमीटर्स 9.02 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट स्ट्रेच है, टनल है रोहतांग के एकदम नीचे। 4-5 घंटे से आपका रास्ता काट देता है, 42 किलोमीटर्स रास्ता कम कर देता है और बहुत अमेजिंग है, बहुत सुंदर है। वन ऑफ द की फैक्टर्स इस टनल की जो स्पेशलिटी है, ये लॉन्गेस्ट टनल है, 3000 मीटर अबव, 10,000 फीट अबव। 2-लेन हाईवे है और स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए थे जो मेरे को मेरे लोकल फ्रेंड्स ने बताया था, इसीलिए स्पीड लिमिट हो चुकी है। और इस टनल को 10 साल लगे थे बनने में। सो हैट्स ऑफ टू BRO, बहुत ही अमेजिंग काम किया है और बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है। लाहौल पहुंचना और विंटर एक्सप्लोरेशन करना इतना इजी हो जाएगा, जो 6 महीने के लिए एक टाइम पे बंद रहता था क्योंकि रोहतांग बंद हो जाता है। इट्स अमेजिंग। मैगी, मोमोज, ब्रेड ऑमलेट, चाय है, चाय भी है। तो लोकल्स ने यहाँ पे अपना मस्त बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, चाय, ब्रेड, ऑमलेट, मैगी सब ले सकते हो। थोड़ा सा ही बस हम आगे आए हैं और ऑटम सीजन स्टार्ट हो चुका है लाहौल में। इतना सुंदर रोड, डायरेक्टली सिसु विलेज पहुंच सकते हो और सिसु विलेज के आगे आता है किलोंग और जिस्पा। अक्सर ट्रैवलर्स पहले जिस्पा या किलोंग में एक दिन का हॉल्ट लेते थे, बट अब सिंस रास्ता छोटा हो चुका है, आप डायरेक्टली भी निकल सकते हो और जिस्पा और किलोंग में आप रुककर अपना लंच कर सकते हो। इसी के बीच में एक और विलेज पड़ता है जिसका नाम है टांडी। मनाली के बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप यहीं पर है और इसके बाद 365 किलोमीटर आगे है। तो हम पहुंच चुके हैं टांडी और टांडी में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा जब आप अटल टनल से इधर आ रहे होते हो, और उसके बाद अगला 365 किलोमीटर अहेड है। जिस्पा के बाद आता है दीपक ताल जो कुछ ऐसा दिखता है। दीपक ताल के बाद आता है सूरज ताल और उसी के कुछ आगे बारालाचा पास आता है। और इस टाइम पे सूरज ताल को मैं देख के काफी शौक हुई थी। तो साहिल और रचना, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। हमने दीपक ताल क्रॉस कर लिया और मुझे सिर्फ आप लोगों की याद आ रही थी और वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जो हमने एक्सपीरियंस किए थे एक साथ। दीपक ताल हमने क्रॉस कर लिया एंड आई रिमेम्बर हम लोग ट्राई कर रहे थे सूरज ताल आने का, बट नाउ आई एम ग्लैड कि हम सूरज ताल नहीं आए क्योंकि ऐसा हो रखा है, पूरा सूख चुका है ना। आई एम सो सरप्राइज क्योंकि मैंने जो सूरज ताल देखा था वो बहुत ही सुंदर लेक थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक बारिश नहीं हुई है या मुझे रीज़न नहीं पता।
ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है और बहुत बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। पानी बहुत ज्यादा पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारालाचा के बाद आते हैं गाटा लूप्स और कुछ ही दूर पे है नकीला पास। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पांग और बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। 10 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे और पांग से हम 4 घंटे दूर हैं ले के लिए। और बट सोच रहे हैं आगे जाने का क्योंकि हमारा फिर एक दिन कल का वेस्ट हो जाएगा और कल ले एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं और फिर आगे चलते हैं ले की ओर। नमस्ते, आप जुले बोलते हो ना? जुले जुले जुले, थैंक यू। बाद आप जाओगे मोरे प्लेन्स की ओर और मोरे प्लेन्स के आगे है वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पास। फिर आएगा उपशी ब्रिज और उसी के थोड़े आगे है ले। बट यहाँ एंटर करने से पहले आपको कराना पड़ेगा कोविड टेस्ट। ये जो 10 मिनट होते हैं ना, ये सबसे स्कैरी 10 मिनट होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि क्या रिजल्ट आ सकता है। 6 नंबर कौन है? क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ। सच बोला? हाँ, नीचे बोला। आ एक बार। पॉजिटिव है ये? सच्ची बोलो। अरे नहीं, मजाक है। ओ यार, हमने डरा दिया यार। ओ, मेरा दिल बैठ गया यार, अभी मैं हार्ट अटैक से मरता होगा। क्या कोई पर्ची वर्ची नहीं दी? नहीं, वो फोटो क्लिक कर लिया उसका। और कुछ क्वारंटाइन वगैरह कुछ नहीं है ना? चल भाई, अभी तो कुछ नहीं है भाई। अच्छा, कुछ आया ही नहीं है। तो ये था हमारा मनाली से ले तक का जर्नी। इस टाइम पे हम बहुत लेट निकले थे मनाली से, इसीलिए हम रात को पहुंचे थे। तो जो भी मैंने अभी वीडियोस आपको दिखाई है वो मेरी 2018 ट्रिप से है। तो मैं मनाली में 2 महीने से थी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखिएगा। मैं मनाली 2 महीने से थी और जब मेरे फ्रेंड्स गए थे जो 1 अक्टूबर के टाइम पे गए थे, तो उन लोगों ने हमें बताया था कि क्वारंटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लद्दाख पहुँच के 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट जब हम पहुँचे थे तब तक रूल्स चेंज हो चुके हैं या अपडेट नहीं हुए, वेबसाइट पर मुझे नहीं मालूम है। बट हमें क्वारंटीन करने को नहीं बोला था। हमारा रैपिड टेस्ट हुआ था जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ले के बॉर्डर पे हुआ था। एयरपोर्ट से भी अगर आप आ रहे हो तो आपका रैपिड टेस्ट होगा और आपको क्वारंटीन नहीं करने दिया जाएगा, एटलीस्ट ये रूल्स हैं अभी तक के। तो टूरिज्म खुल चुका है, हम नुब्रा गए थे, हम सोमोरीरी भी गए थे, पैंगोंग नहीं गए और पैंगोंग अभी बंद है बिकॉज ऑफ ऑल द कियोस जो अभी हो रहा है इंडो चाइना की वजह से, तो अभी बंद है। अब देखो, मनाली है कुछ 2000 मीटर्स पे और ले है 3500 मीटर्स पे और उसके बीच आप बहुत सारे हाई पासेस क्रॉस करते हो, कुछ कुछ 5000 मीटर्स अबव है जैसे तांगलांगला। एक्लिमेटाइजेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए आपको मनाली में कम से कम 1 या 2 दिन रहना चाहिए। और अगर आप मनाली से धीरे धीरे चल रहे हो ले की ओर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको जिस्पा या किलोंग में भी रुकना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा। रस्ते में पेंडेमिक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पानी मिलने की क्योंकि सारे कैफ़ेज़ बंद है। सिर्फ पांग में कैफ़ेज़ खुले थे, उसके अलावा हमें कोई ढाबा या कुछ भी नहीं मिला था रस्ते में। तो इंश्योर कि आप बहुत ज़्यादा पानी लेके चल रहे हो अपने साथ। एक और टिप है कि आपको गार्लिक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ये मेरे को साहिल ने बताया था कि गार्लिक हेल्प्स अ लॉट। तो जब भी आप ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हो तो थोड़ा सा गार्लिक खाते रहना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू एक्लिमेटाइज। इसके अलावा और जो मैं टिप्स देना चाहूँगी वो ये है कि हाई पासिस पे मत होल्ड कीजिएगा ज़्यादा देर तक,
क्योंकि आपको AMS हिट हो सकता है. AMS इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस. सो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हेडेक हो सकता है. उसके अलावा अवॉइड सिगरेट्स, टबैको, अवॉइड अल्कोहल. अगर आपको AMS हुआ है, अगर आपको सर दर्द हो रही है, तो डिसेंड कर लो, बहुत जल्दी डिसेंड कर लो. सो मत रस्ते में. अगर आप सोओगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सोना मत रस्ते में. और अगर आप सो भी रहे हो तो अपराइट पोजिशन में सोना. जब आप मनाली से निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पर हाई पासिस पे बहुत ठंड हो जाती है, तो एक्स्ट्रा लेयर्स पहन के चलना. विच ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट कि आपको क्या क्या कपड़े कैरी करने चाहिए जब आप जा रहे हो ले की ओर. सो मनाली से ले तक जाने के लिए, वैसे हम कार में थे तो कार एक एक्स्ट्रा शेल्टर आपको देता ही है. अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा कवर करना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो थर्मल्स पहनिएगा, उसके ऊपर विंड शीटर, और अगर आप मॉनसून के टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो वाटरप्रूफ कवरिंग होना चाहिए, पॉन्चोज होना चाहिए. आपके कान, ग्लव्स, पैर मरीनो वूल से कवर कीजिएगा. मरीनो वूल इज़ द बेस्ट थर्मल एंड द बेस्ट सॉक्स, जो आपको बहुत ज़्यादा वार्म प्रोवाइड करेगा. और उसके अलावा शूज़, बालाक्लावा जो आपका मास्क की तरह भी एक्ट करेगा, बिकॉज कोविड फैला हुआ है, पेंडेमिक फैला है, तो आपके पास बालाक्लावा भी होना चाहिए. साथ में बहुत ज़्यादा पानी लेके जाइएगा और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लेके जाइएगा, क्योंकि सिंस पेंडेमिक अगेन टाइम है. रस्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिला था. अभी सब ढाबे बंद है, सिर्फ पांग अभी खुला है. अगर आपको कुछ खाना है तो पांग तक के लिए एटलीस्ट आपके पास एक्स्ट्रा स्नैक्स, या आप ड्राई फ्रूट्स, या आप कुछ सब्जी वगैरह पैक करवा के मनाली से निकल सकते हैं कि आप रस्ते में खा पाएं. तो फॉर अकोमोडेशन, एक है मनाली, दूसरा है पांग, और उसके बाद है ले, और बीच में अगर आपको रुकना है तो है जिस्वा और किलोंग. उसके अलावा अभी तक सब बंद है, सारे कैफेज बंद हैं. तो अगर आपको अभी स्टे करना है तो आप ये सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो. अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो. बाकी अभी तक एटलीस्ट इस टाइम तक सब बंद है. मे बी आगे कुछ महीनों में खुल जाए, बट अभी तक सब बंद है. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मशीन ख़राब हो चुकी है और मैकेनिक को आने में 1-2 घंटे लगेंगे. तो हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे वेट कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे लेट पहुँचना ले में बेटर है दैन स्पेंडिंग अ नाइट कहीं और बीच रस्ते में. तो हम यहाँ वेट करते हैं पेट्रोल का आने में. फॉर फ्यूल, अगर आपको भरवाना है पेट्रोल तो सिर्फ तांदी में है, मनाली, तांदी और उसके बाद ले. तो हमेशा टैंक फुल करके चलिएगा. अगर नहीं, अगर आपको सीरियसली इमरजेंसी में फ्यूल फिल करवाना है जैसे हमें करवाना था, तो आपको कुछ पांग में या सरचू में या कहीं ढाबा में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ से फिल करवा सकते हो. तो हमने कैंस उठा लिए थे और फिर उसके बाद हमने फ्यूल ख़रीदा था, क्योंकि तांडी में ख़त्म हो चुका था, उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमें मिला नहीं था फ्यूल. नाउ कमिंग टू मेजर टिप्स, नंबर वन इज ATM. तो ATM अगेन आपको या तो सिर्फ मनाली में मिलेगा या किलोंग में, उसके बाद ले में मिलेगा. तो आपके प्रीपेड सिम तो नहीं चलेंगे. जब आप ले पहुंच जाओगे तो आपके प्रीपेड सिम कार्ड्स, कनेक्टिविटी सब बंद हो जाएंगे. मेरे पास था एयरटेल पोस्ट पेड, तो वो मनाली से किलोंग तक चल रहा था, जिस्पा तक चल रहा था, उसके आगे नेटवर्क नहीं था. और फिर मिला था मुझे उक्षी में जाके. सेम एज़ फॉर जियो. तो अगर आपके पास कोई भी सिम है, मेक श्योर कि वो पोस्ट पेड हो, क्योंकि लद्दाख में सिर्फ पोस्ट पेड सिम्स चलेंगे. उसके अलावा जो रोड कंडीशंस हैं वो आई से एवरेज, कई बहुत अच्छी हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली सुसु तक और उसके आगे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. बट जैसे आप सूरज ताल क्रॉस कर लेते हो, बारा लाचा क्रॉस कर लेते हो, तो रोड कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. बाकी दिस इज इट. ये था मनाली से ले तक का रास्ता. आप कैसे प्लान कर सकते हो, अभी अटल टनल कैसा है, आपको क्या क्या कोविड फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कवर करूंगी कि ले का फर्स्ट डे आप कैसे प्लान कर सकते हो, अकोमोडेशन के बारे में, नेटवर्क के बारे में, परमिट्स के बारे में. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम.